बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जो कि हाल चाल ठीक ठाक हैं, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। सुबह का टाइम हो चुका है और अभी हमने तैयारी कर ली, बल्कि मैंने तैयारी कर ली है। मैंने अपनी वेस्ट कोट कपड़े छपड़े जो सिलवाए थे पहन लिए, जूता छूता भी पहन लिया है, रेडी चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारा दूल्हा रेडी होने गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। और उसका वो जैसे कि रात को मेहंदी वाला बनाया था ना हमने स्टेज, तो वही वाला अभी तक उसके चीकू मेहंदी के लिए होना, तो मुझे लगता है गाड़ी बाहर आ गई है। आई थिंक मेरे ख्याल में वो आ चुका है, तो बस चिकन मेहंदी लगाना, फिर इंशाल्लाह हमारी वो कहते हैं ना बारात रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम ना निकल जाएंगे, तो आप लोगों के साथ लेके चलते हैं। और अभी बुलाता है वो रस्म भी आप लोगों को दिखाते हैं, चिकन मेहंदी वाली वो कैसे होती है। तो बस पर रात को सोए कोई नहीं है, कोई चार साढ़े चार बजे सोए थे, छः बजे फिर उठ गए। हाँ जी, कोई हुई है तैयारी? ये देखिए हमारे कमरे की हालत पहले देखेंगे, ये देखूंगा, ये देखो, ये देखो क्या नहीं, हमारी तैयारी देखें, कमरे की हालत भी देखें। लो जी फैमिली, हमारी बेगम भी तैयार हो चुकी है, दिखाएं जरा कपड़े, दिखाएं आप लोग। ये वो मैरून सूट है, ये है हमारा बारात का तैयारी, बारात की, ठीक है ना। तो मैंने वो गले में नहीं डाला, वो जो माला है, तो सबने कहा था बहुत कढ़ाई है तो वो अच्छी नहीं लगी। वैसे डाल चेक तो कर लेनी थी, अब नहीं, मेरे अब बाल खराब होते हैं, तो वो भी मेरे बाल खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दुपट्टा मुझे यही स्टाइल आता है करने का, ठीक है, या तो एक वो स्टाइल होता है यूं करके, हाँ ऐसे, ये भी अच्छा है, ये क्यों करके, हाँ ये भी सही है, स्टाइल सही है। शेरी भी रेडी है, शेरी उठो, चले उठो, तो चलते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, हमारी बारात का टाइम है, दूल्हा नहा रहा है वॉशरूम में, और निकलते हैं बारात लेके, और बस ठीक हो। हाँ जी, मैं करीम लगा लूँ शेरी को, लगाओ 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 लगाओ। हाँ आपने फिर हार भी पहन लिया? हाँ जी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हो जाएगा ये ऐसे करके, और ये हार उठा लिया जो सारे कह रहे थे आजकल रिवाज नहीं, ये ना आज ये रिवाज नहीं, ये वो होता है कि भाई शौक होता है, ये हम शौक पूरा कर रहे हैं पैसे वाला हार डाल के, वहाँ पहले होता था ना। हाँ। तो हम जरा पुराने तरीके को फिर रिवाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो डालते हैं और देखते हैं दूल्हा कैसा लगता है इस हार। चलो जी, चलो शाबाश, चलो 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 शाबाश। दूल्हे ने शेरवानी वगैरह पहन ली है, अब इसका मेकअप शेकअप होना है, और यहाँ पे सेज भी सजाई जा रही है, और भाई साहब भी लगे हुए हैं, मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ पे। Thank you.
सेज भी अभी जनाब जी छत तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है और फूल वगैरह यहाँ पे जो लगने हैं ना वो अभी लगेंगे थोड़ी देर में, बस अब बस क्विक काम कर रहे हैं और ये ना फ्रेश लगेगी। और इधर दूल्हा तैयार हो रहा है, दूल्हा शेव के बाद कुछ कमज़ोर कमज़ोर नहीं हो गया हाँ वो है ना बस ये बस अभी थोड़ा सा इसका मेकअप होना है, मेकअप होने के बाद फिर हम निकलते हैं। लेट हो गए, हम सुबह निकलना था 10 बजे, 11 में यहीं पे बज गए। अभी अब निकला, उसको पता था इन्होंने जितनी जल्दी भी कर लेंगे 11-12 से चले नहीं जाएंगे। No, no.
दूल्हा की कार है, उसके बाद बाकी बराती हैं और पीछे हमारी कार है, तो आप सबकी दुआएं हैं कि हम खैर खैरियत से क्या कहते हैं दुल्हन ले आए और खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी सी गर्मी तो है लेकिन गाड़ियों में ठीक है। आगे आगे जाना है हमने मैरिज हॉल में, तो वहाँ भी सुकून होगा। तो ये जो काम है ना, बखैर आफियत अंजाम पाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, गर्मी से माशाल्लाह। हम ना हमारा सुबह से ना कबाड़ा हो चुका, इधर से उधर इधर से उधर। हम कुछ कुछ के नहा के आते हैं, बाकी फिर शुरू हो जाते हैं। फिर तो ये देखिए जी, ये देखिए, ये बारात थोड़ी देर यहाँ रुकी है, थोड़ा सा ड्रोन शूट हो रहा है ना। हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करेंगे और बहुत मजा आ रहा है। चलते हैं, मजे के अलावा भी कुछ आ रहा है? नहीं, बस मजा आ रहा है, शादी पे मजा आता है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, दूल्हे की गाड़ी वो जा रही है और बड़ी मुश्किल से हम इसको चेज कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही, दूल्हे ने हम सबको पीछे लगाया हुआ है। इसी मौके पे तो लगाता है। हाँ जी बिल्कुल, और उसके बाद पूछता भी नहीं है। अच्छा जी, खैर खैरियत से हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल पे, बस थोड़ा सा ही सफर रह गया है। बस पहुँच गए हैं, पहुँच गए हैं, सिटी पहुँच गए हैं। एक ये मैरिज हॉल है, ये वाला एक आगे है, वहाँ पे बुकिंग है। तो चलते हैं मैरिज हॉल में, शादी का अरेंज किया है गर्मी की वजह से, तो इंशाल्लाह ताला सारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा जी, हम मंजिल पे पहुंच गए हैं और गाड़ियां हमने यहाँ पे रोक दी हैं क्योंकि पीछे से भी आना है, हमारे कैमरामैन वगैरह जो है ना वो पीछे रह गए हैं, वसीम लोग ना। तो हम पहुँचाए हैं, ये वाली गाड़ियां आ गई, बाकी तीन चार गाड़ी रह गई पीछे। बस ये सामने ही शादी हाल है, कहीं करीब करीब ही है। हाय, कैसे हैं? आसी तो बजा के थक गए हैं यार, खुदा के बंदो, इतनी भगाई आपने, 100 से कम तो हमने कहीं पे की नहीं है। और तो सब बैठे हो पिछले दमन दे, I'm gonna say it.